जनपद संभल की चंदौसी में मिशन शक्ति के तहत पिंक चौकी की स्थापना जिसका लोकार्पण एडीजी बरेली जोन ने छात्र आयुषी दीक्षित के द्वारा कराया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चला रखे हैं। इसी के तहत जनपद संभल की चंदौसी में मिशन शक्ति के तहत गौशाला रोड पर स्थापित पिंक चौकी का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन अविनाश चंद्र ने फीता काटकर किया। साथ ही पिंक चौकी को मिली गाड़ी को अपर पुलिस महानिदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडीजी अविनाश चंद्र ने बताया कि जनपद संभल में आज गुन्नौर तथा चंदौसी तहसील क्षेत्र में एक एक पिंक चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें महिलाएं बहनें तथा छात्राएं आकर अपनी समस्याओं को बता सकेंगी, जिन पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। वहीं छात्राओं में भी पिंक चौकी की स्थापना से खुशी दिखाई दी, जिस पर चौकी का लोकार्पण करने वाली छात्रा आयुषी दीक्षित ने इस पिंक चौकी की स्थापना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साथ ही कहा कि इस चौकी के बनने से छात्राएं निडर होकर कभी भी घर से निकल सकती हैं। स्थापित की गई है दो पिंक चौकियों का आज उद्घाटन किया गया है, एक गुन्नौर में और एक चंदौसी में। गुन्नौर सर्कल के 3 थाने हैं, चंदौसी सर्कल के 4 थाने हैं। इनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक हुई है और जो भी पीड़ित बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियाँ हैं, जिनकी पुलिस से संबंधित कोई भी समस्या है, वो इन पिंक चौकियों पर बिना किसी संकोच के भय के आएँ, उनकी बात पूरी तरह सुनी जाएगी। पिंक चौकी का उद्घाटन करके वाकई में काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि चंदौसी में बहुत अच्छी पहल है। जो हम चंदौसी में इतने सारे स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, लड़कियां पढ़ती हैं उसमें, और लड़कियां तो और बड़ी बड़ी गर्ल्स हैं, सब आती जाती रहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है उसके लिए। ऑल थैंक्स टू एडीप जी सर, ऑल थैंक्स टू एसपी सर, एंड ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट, एंड ऑल थैंक्स टू मिशन शक्ति चंदौसी, जिसने ये इतनी अच्छी पहल की है। और सभी लड़कियां आप कम से कम अपनी समस्याएं एटलीस्ट यहाँ रख सकती हैं, उनका समाधान होगा, काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट हमारे बीच बनेगा, जिसमें सभी गर्ल्स अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हैं, उनका सॉल्यूशन होगा। और लड़कियों के लिए संदेश यही देना है कि आप डरिए मत, आगे बढ़िए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। सरकार ने जिस तरह से मिशन शक्ति चलाया है और महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं जी, और छात्राओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर लड़कियों को ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो डेफिनेटली वो बहुत आगे जाएंगी। बहुत अच्छा प्रयास सरकार कर रही है ताकि लड़कियां आगे बढ़ें, लड़कियां बिल्कुल ना डरें। और बहुत लड़कियां तो मतलब डर की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, या ट्यूशन आना जाना बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया, तो नहीं, उसके लिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार जो प्रयास कर रही है उसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी पहल कर रहे हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो पहल कर रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सोच रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड और ETC, सो मैनी उन्होंने जो हमें फैसिलिटीज़ दी हैं, अगर लड़कियां सभी का यूज़ करें तो वाकई में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़िए।